राष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की उपस्थिति में हम लोगों ने इसको शुरू कराया था। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का, अभिनंदन करता हूँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस पर। कुलपति आदरणीय प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि वो आज स्थापना दिवस पर अपना संबोधन करें। आदरणीय प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि कुमार जी आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने विश्वविद्यालय को अपना मानकर और उसके स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अनेक कुलपतियों को, प्रतिकुलपतियों को, तमाम पदाधिकारियों को जोड़कर आपने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित करने का जो साहस दिखाया और जो आपने समय निकाला, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे यशस्वी भूतपूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रोफेसर आईसी कुमार साहब, सचिंद्र कुमार सिंह जी, वर्तमान प्रति कुलपति एन के शाह साहब, फाउंडर रजिस्ट्रार जैसा आपने बताया डॉक्टर पारसनाथ सिंह जी, राम तवक्या सिंह जी, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और कर्मचारी बंधु तथा छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और ऐसे तमाम लोग जो इस विश्वविद्यालय से कभी भी उनका कोई संबंध रहा अथवा नहीं रहा, जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, मैं सबका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर आरा की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के इस पुनीत अवसर पर पूरी तरह से इस समय कार्यरत हैं और उसी में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले साल 3,500 ऐसे इमारती फलदार और चिकित्सकीय पौधों का रोपण किया गया जो सफलतापूर्वक पनप रहे हैं और आशा है कि उससे पूरा परिसर आगे चल करके हरा भरा बना रहेगा। इसी 0 माइल के प्रांगण में एक प्रशासनिक भवन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है, पैसा भी अलाट हो चुका है। चूंकि परिसर में थोड़ा पानी का जमाव है, वो जमाव समाप्त हो जाने के बाद जो कार्यदायी संस्था BSIDC है वो कॉलेज। मैं सबसे पहले आज स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे कुलपति डॉक्टर GP तिवारी साहब हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और हमारे बीच हैं डॉक्टर आईसी कुमार साहब, मैं कुलपति, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं सैयद मुमताजुद्दीन साहब जो पूर्व कुलपति हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पूर्व हमारे प्रति कुलपति साहब नंद किशोर शाह साहब हैं, उनका स्वागत करता हूं, और अध्यक्ष वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र संघ प्रदीप कुमार बालमुचू साहब हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, और आपने इस स्थापना दिवस को आयोजित कराया उसके लिए भरपूर प्रयास किया, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे कुलपति जी ने जो बातें कही है मैं उससे सहमत हूँ कि इनके आने के बाद कॉलेज में पठन पाठन और विश्वविद्यालयों में अनुशासनात्मक वातावरण बना है और कॉलेज जो है वह आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई लिखाई से लेकर के नामांकन परीक्षाएं समय हो रही है, इनका पूर्ण प्रयास है, और हम लोगों को भी माननीय कुलपति जी का, प्रति कुलपति जी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे कुलपति जी पूर्व के द्वारा जो कुलपति नहीं कर पाए थे उसको सुधारने में या उनके द्वारा जो गलतियां हुई है उसको सुधारने में ज्यादा समय हमारे वर्तमान कुलपति जी का लग रहा है। मैं इस बात को आपसे भी कहता हूं और लोग जो बैठे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, और हमारे कुलपति और प्रति कुलपति दोनों की सकारात्मक भूमिका है विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में। शशि बाबू बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज कॉलेजेज में और विश्वविद्यालय में जो छात्रों की उपस्थिति नहीं हो रही है
जो पठन पाठन जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसमें हमारे कुलपति जी का बड़ा सहयोग हमें मिलता है और उनके प्रति हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज के पठन पाठन से लेकर के अनुशासन का वातावरण बने और आप समाज सेवी लोगों को भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभागार में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, आप एक बड़े कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और आपकी बातें सामने आई है। आप स्मरण रहना चाहिए इस बात का कि यह विश्वविद्यालय जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर है और वो 1857 के ऐसे चमकीले योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों को एक बार नहीं बार बार पराजित किया था और जन सहयोग से पराजित किया था। अगर विश्वविद्यालय की दशा सही नहीं है तो दिशा देने के लिए अगर बार बार जन आंदोलन करना पड़े तो यहाँ के जनता को उसके लिए तैयार रहना होगा। मैं एक मिनट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कार्य समिति के सदस्य और ब्यूरो चीफ भीम सिंह भवेश जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय एक बड़े अखबार के ब्यूरो प्रभारी हैं। मैं भीम सिंह भवेश जी को आमंत्रित करता हूँ, दो मिनट विश्वविद्यालय के दशा और दिशा पर दो मिनट अपनी बात कहेंगे। भीम सिंह भवेश जी, बड़ी खुशी हुई इस आयोजन को लेकर और मैं दिल से आपको के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि जब यह विश्वविद्यालय बना था तो मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि सितंबर 92 मेरी एक रपट छपी थी आज अखबार में जिसमें दो शिलालेखों का उल्लेख था, एक का उद्घाटन आदरणीय लालू यादव किया था और दूसरे का जगन्नाथ मिश्रा जी ने। उसके बाद स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ सिंह जी जो संस्थापक कुलपति थे उन्होंने ही यह बात बताई थी और इस विश्वविद्यालय का जो आज देख रहे हैं आप लोग, लोगों यहाँ के कला महाविद्यालय के डॉक्टर आईसी कुमार सर, आपका योगदान काफी अतुलनीय है। इस विश्वविद्यालय में आपने कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से B12 की तरह मान्यता दिलाई, आपने पहला प्रथम दीक्षांत समारोह करके इसकी शुरुआत कराई, 2006 में दीक्षांत समारोह पहली बार हुए थे 92 के बाद, आपने नवीन के लिए जमीन उपलब्ध कराया, आपने विज्ञान भवन बनवाया, आपका हम लोग सुनना चाहते हैं आईसी कुमार साहब का संबोधन, आदरणीय डॉक्टर आईसी कुमार साहब पूर्व कुलपति। मैं असीम आभारी हूँ पूर्ववर्ती छात्र संघ का इस आयोजन के लिए और इस आयोजन का जो विषय रखा गया है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने लिखा है कि विश्वविद्यालय के भविष्य भूत भविष्य और वर्तमान की दशा दिशा के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार किया जाएगा और साथ साथ आपने स्मारिका का भी प्रकाशन कराया है, तो मैं आपसे पहले दशा दिशा के ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालय के तीन मुख्य दायित्व हैं, टीचिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन। हमें देखना है कि टीचिंग के लिए हमने क्या किया, हमें देखना है कि रिसर्च के लिए हमने क्या किया, हमें देखना है कि एक्सटेंशन के लिए क्या किया। आपको जानकर भाई सांसद साहब ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सही हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनकी ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना मैं अपना दायित्व मानता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर 5 बरस पर छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, लेकिन सरकार की ओर से जो पद सृजित किया जाना चाहिए वह नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने स्ववित्त पोषित योजनाएं बहुत चालू की हैं, लेकिन उसके लिए जो स्पेशलिस्ट की बहाली होनी चाहिए वो पद भी सृजित नहीं है और कंट्रेक्चुअल आधार पर स्ववित्त पोषित योजना का अपेक्षित लाभ मिलना संभव है। तीसरी बात यह है कि हमें
अगर रिसर्च को प्रमोट करना है तो रिसर्च जर्नल जो निकलता था उसको रिसर्च जर्नल को पिछले 14 वर्षों से बंद कर दिया गया है। रिसर्च जर्नल के बिना लोगों को उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। तीसरी बात यह है कि आप देखें कि मैं आपको एक एग्जांपल आपके जिला आपके शाहबाद परिक्षेत्र के ही विश्वविद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो प्राइवेट सेक्टर में है। उदाहरण स्वरूप 2005 में गोपाल नारायण सिंह मेरे कहने पर मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू किए। अब 15 वर्ष की अवधि में उनके जो बहुआयामी विकास हुए हैं वह सराहनीय माना जाएगा। पहली बात यह है कि पोस्ट मेडिकल साइंस के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू हुई। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ जो पैरामेडिकल फार्मेसी डेंटल और कई विषयों में किया गया और MSc की पढ़ाई में भी बहुत तरक्की की गई। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है कि उन्होंने मॉडर्नाइज जो कोर्सेस हैं उसको शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की पढ़ाई शुरू हुई। दूसरा यह कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड रिसर्च पर पढ़ाई शुरू हुई। तीसरा यह है कि मैनेजमेंट के बहुआयामी प्रयास के उस पर पढ़ाई शुरू हुई। चौथा एग्रीकल्चर रिसर्च में पढ़ाई शुरू हुई। अब पहले नारायण मेडिकल कॉलेज था, अब गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय हो चुका है और वहाँ इतनी मॉडर्न सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है जिसे जान करके आपको असीम, और वो 15 वर्ष में हुआ और हमारा विश्वविद्यालय 28 वर्ष का हो चुका। 28 वर्ष और 15 वर्ष की दूरी बहुत है। तीसरी चीज यह है कि एक्सटेंशन, तो पहली बात यह है कि शाहबाद क्षेत्र के लिए जो रिसर्च होना चाहिए वो रिसर्च का रिव्यू किया जाए कि हम कहाँ तक रिसर्च में आगे बढ़ सके हैं। और रिसर्च में हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया का सर्वोच्च विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मैंने देखा जाकर 42 नोबेल लॉरियट हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी ने 42 नोबेल लॉरियट पैदा किया है। और उसी तरह से प्रिंसटन में देखा, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में देखा, सब जगह। तो उस तरह से हम लोगों के यहाँ जो रिसर्च स्कॉलरशिप होना चाहिए, जो रिसर्च में काम होना चाहिए, वह उसमें जो कमी है। और उसके बाद से वाइस चांसलर साहब ने कहा कि बहुत सारी नए नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट के, इसीलिए मैं भूत वर्तमान और भविष्य की चर्चा के सिलसिले में इन सारे आंकड़ों को दिया। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी जो स्मारिका है उस स्मारिका के विमोचन करने का की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को रिलीज किया जा सके। सर सर उसको रिलीज आप करिए सर। ये अभी मैं देख रहा हूँ सर स्क्रीन के अंदर कि जो हमारा लाइव चल रहा है उसमें 42 लॉरियट एक विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय ने 42 लॉरियट दिया। ये अपने आप में सर हमारे, हमको तो ये जानकारी भी नहीं थी। लॉरियट जो होते हैं तो दो तीन लोगों को जब हम लोग देश में चुने जाते हैं तो सुनते हैं सर, और उनको लंबे समय तक लोग याद रखते हैं कि नोबेल लॉरियट है, ये नोबेल लॉरियट है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में वह दिन एक नोबेल लॉरियट भी विश्वविद्यालय से जाए, उस दिन हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने विश्वविद्यालयों के विकास में वहां गया था। और मेरी ग्रैंडडॉटर वहां से बायो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुई है और मुझे इस साल भी कहा कि नाना जी दो नोबेल लॉरियट इस साल भी बने हैं, अब 44 हो जाए। तो ये तो सर बहुत ही दुनिया के विकास में उस विश्वविद्यालय का अलग है। हमारा विश्वविद्यालय भी कभी इस तरह का स्थिति पैदा करे कि हमारे विश्वविद्यालय से अगर एक लॉरियट हो, उस दिन हम वीर कुंवर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने में सफल होंगे। सर स्मारिका VC साहब भी हैं और सचिंदर बाबू हैं, नंदकिशोर शाह जी हैं और लगभग प्रिंसिपल महेंद्र पांडे जी भी ससराम से जुड़े हैं, कई प्रधानाचार्य, कई लोग जुड़े हुए हैं सर।
और मुझे बताकर खुशी हो रही है कि अभी आपका सर 22,000 से ज्यादा व्यूअर्स देख रहे हैं पूरे देश में। आपके इस कार्यक्रम को 22,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और ये लॉरियट पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सर, ये कमेंट्स कर समीक्षा करके बाद में आपको भेजेंगे सर। ये हमारा एक स्मारिका है, वो स्मारिका सबके पास तो नहीं पहुंची है लेकिन आपके पास है सर, क्योंकि लेट से आई थी, आप उसका विमोचन करें और उसके बाद अगले वक्ता को हम संबोधित करने के लिए आमंत्रित करेंगे सर, उस स्मारिका का विमोचन किया जाए। आईसी कुमार सर, उसका स्मारिका है कुंवर सिंह पर बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह स्मारिका हम सबको भिजवाएंगे, सबके पास पहुंच जाएगी। वर्चुअल कोरोना काल में ये सब वर्चुअल करना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग एक बड़ा आयोजन करते और करेंगे भी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात कही, आपने हमें हमारे इस स्थापना दिवस में आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे एक पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सचिंदर सर यहाँ उपलब्ध है, उपस्थित है, उन्होंने जुड़ने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। मैं आग्रह करता हूं सचिंदर कुमार सिंह जी से, डॉक्टर प्रोफेसर सचिंदर कुमार सिंह जी फिलोसफी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया के हमारे यहाँ वीसी थे और काफी उस समय इन्होंने कुछ काम भी ऐसे निर्णय लिए थे, कठोर निर्णय लिए थे विश्वविद्यालय के आगे बढ़ाने के लिए। प्रसिद्ध कुमार सिंह जी, आपने मुझे अवसर दिया, आपकी संस्था को, आपके आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमें अपने विचार व्यक्त करने का आपने सुअवसर दिया और इस मैगजीन को रिलीज करने का आपने किया। मेरा कहना है कि कुंवर सिंह पर जितना रिसर्च हो सके यह उनके सम्मान में होगा। वैसा अद्भुत योद्धा हिंदुस्तान ने नहीं पैदा किया है और उनके संपूर्ण जीवन पर हमेशा आप काम कराते रहेंगे, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस। धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर सचिंदर कुमार सिंह जी, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, वर्तमान उपाध्यक्ष इंडियन फिलोसफी कांग्रेस, सर ने भी अपने समय में काफी विश्वविद्यालय को मजबूती देने का काम किया था। आदरणीय प्रोफेसर सचिंदर कुमार सिंह जी, मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप संबोधित करें आज आयोजित होने वाले सेमिनार जिसका विषय रखा गया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वर्तमान और भविष्य, दशा और दिशा, जिसमें इसका राष्ट्रीय वर्चुअल सेमिनार है, वेबिनार जो भी कहें हम। इसमें उपस्थित सहभागीगण जिसमें प्रोफेसर डीपी तिवारी साहब, वाइस कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पूर्व कुलपति प्रोफेसर आईसी कुमार साहब, फिर अभी जो वर्तमान प्रतिकुलपति हैं प्रोफेसर एन के शाह साहब, और जो जुड़े हुए हैं राम तमक्या हो या और लोग जितने भी जुड़े हुए हैं इससे, उनको मैं संबोधन करना चाहूँगा, और भी सहभागीगण जितने समूचे इंडिया से जुड़े हुए हैं सबको अपना नमस्कार करूँगा और इसमें उनको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया और ये जो वर्चुअल सेमिनार है उसके संबोधन में एक सहभागी बनाने का आपने रिक्वेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। अभी जो पूर्व वक्ता लोग बोले हैं, प्रोफेसर डीपी तिवारी जी, प्रोफेसर आईसी कुमार जी, वो वर्चुअल सेमिनार में वर्चुअल जो पोजीशन है विश्वविद्यालय का उस पर प्रकाश डाले हैं, लेकिन कुंवर सिंह का भी एक विशिष्ट स्थान है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम से। और वीर कुंवर सिंह जी थे, हमको तो आश्चर्य लगा कि 80 वर्ष की आयु में उन्होंने जो वीरा उठाई अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, और उन्होंने जो आवाज दिया छोड़ रे अंग्रेज बा भारत छोड़, ये जो उन्होंने कहा भोजपुरी में जो ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया, वो 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने जो युद्ध किया
वो तो अतुलनीय है मेरे हिसाब से। और उस उम्र में सभी लोगों को बांध के रखना, जबकि उतनी जागरूकता उतनी नहीं होगी आज के समय में जितना मीडिया वगैरह के थ्रू हम लोग को जागरूकता होगी हुई है, उस समय नहीं हुआ होगा जाहिर है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकल स्तर पर ही, स्थानीय स्तर पर ही सबको बांध के रखा और उन्होंने एक बहुत अच्छा संघर्ष किया। यह तो हम समझते हैं कि हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन का पॉइंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 75 वर्ष की आयु की हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने 80 वर्ष की आयु में ऐसा किया। हमको लगता है कि इतिहास में शायद ही ऐसा कोई पुरुष होगा, शायद मानधाता या कोई और लोग रहे हों जो इतिहास का ज्ञान, प्रोफेसर आईसी कुमार साहब ने धर्मशास्त्र में कहा भी गया है कि धर्म मूलम इदम जगत, धर्म ही जगत का मूल है। अगर धर्म को हम त्याग दें तो फिर हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, हमारा चहुमुखी विकास, ऑल ऑन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म को अपनाना पड़ेगा। धर्म क्या है? तो धर्म जो हम धारण करें, धारण क्या करें, तो जो अच्छाई की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए चहुमुखी विकास के लिए, अंदर में जो हमारी जो भौतिक, हमारी जो नैतिक, हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए जो हम करें, जो धारण करें, जिनको अपनाएं, वही धर्म है। अगर हम इस सारी बातों को ध्यान रखें तो फिर हमारा विकास होगा। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश धर्म मूलम इदम जगत हम कहते हैं, लेकिन धर्म को अपनाते नहीं है, हम काम पर ही बल दिए रहते हैं, जिसके कि सुख भोगने की प्रवृत्ति है, पैसा है, ये सब काम में आता है। और मोक्ष की बात तो शायद हम करते जरूर हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उसके लिए कुछ हम लोग प्रयास करते हैं। वैसे कहा गया है कत्वम सर्वभूतात्मा, वही आत्मा हर जगह है। जब वही आत्मा हर जगह है तो सबके कल्याण के लिए काम तो होना ही चाहिए ना, लेकिन हो नहीं पाता है। तो यह होना जरूरी है, यह तभी होगा जब उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है टू ड्रॉ आउट समथिंग फ्रॉम आवर विदिन, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। जैसे आईसी कुमार साहब ने कहा, हमारे अंदर की जो निहित शक्तियां हैं उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, तभी इस विश्वविद्यालय का, किसी विश्वविद्यालय का या राज्य का या देश का कल्याण हो सकता है। तो यह तब होगा जब हम अपने आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक तीनों शक्तियों के विकास के लिए काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सही अर्थ में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जितना दूसरे के लिए काम करेंगे, जितना राष्ट्र के लिए काम करेंगे, तभी इसका सही ढंग से विकास हमारा देश का होगा, हमारे विश्वविद्यालय का होगा, या इवन हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार का भी विकास हो सकता है। हमको सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जुड़े, आप दिल्ली में हैं, हम मुझे पता है कि आप दिल्ली कल ही पहुंचे हैं, और उसके बाद आपने समय दिया, और इस विश्वविद्यालय को, मेरी तो इच्छा है कि जब कभी ये कोरोना काल समाप्त हो तो आप सब लोगों को हम लोग यहाँ पे बुलाकर के आपकी बात सुने, एक सभा करें, और वो भी करेंगे सर। विश्वविद्यालय का जो विषय है, हमारे एक सीनियर प्रोफेसर रामतवक्या सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर रामतवक्या सिंह जी का काफी विश्वविद्यालय में कई प्रकार के वो कार्य करते हैं, रचनात्मक और कई प्रकार के वो कार्य करते हैं। उनको मैं आग्रह करता हूँ, प्रोफेसर रामतवक्या सिंह जी को, कि वो विश्वविद्यालय के दशा और दिशा, भूत, वर्तमान और भविष्य पर दो शब्द बोले। नंदकिशोर शाह जी हमारे बीच उपलब्ध हैं। नंदकिशोर साहब और जितने भी सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय उपस्थित हैं, अब आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में विश्वविद्यालय खुला, बात कहना चाहेंगे, और ये हो सकता है थोड़ा तकलीफदायक हो, लेकिन इसी में हम लोगों की भलाई है। विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ हम लोग कह गए, विश्वविद्यालय ऐसा है, वैसा है, फलान है, छकान है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि क्या यह सचमुच विश्वविद्यालय है, इसे विश्वविद्यालय कहा जाना चाहिए, इस पर आइए। वो ठीक है कि यह है, होना चाहिए, होना, लेकिन अभी क्या स्थिति है? 1992 में यह विश्वविद्यालय खुला, आज तक इसके पास अपना कार्यालय नहीं हुआ।
हम अपनी पीठ थपथपा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन इसके पास अपना कार्यालय नहीं है। वर्ल्ड में विश्वविद्यालय कैसा है विश्वविद्यालय जिसके पास आज तक भी कार्यालय नहीं है, भाई सांसद के बैठने का रूम नहीं है, रजिस्ट्रार के बैठने कोई कैंपस ही नहीं है। हम लोग का यह करते हैं लेकिन प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वविद्यालय होता है विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को हमको जहाँ तक हम देखते हैं आज जो विद्यार्थी जिस तरह से दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं, न उनका रिजल्ट समय पर मिल पाता है, न कुछ मिल पाता है, ये सारी तकलीफ। और हमको बहुत यह है कि हम लोग सभी मिल करके इसके लिए प्रयास करें। अपने कुलपति जी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि सर बोलिए, कहीं कोई जरूरत हो तो बोलिए, क्या किया जाए कि इस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बचे। आज ये विश्वविद्यालय हमारे नजर में कहीं नहीं है। जब छात्र खुश नहीं है, विद्यार्थी खुश नहीं है, बच्चियां दूर दूर से दौड़ के आती हैं और 10-10 साल से रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये क्या तमाशा है? ऐसे यूनिवर्सिटी चलती है क्या? यूनिवर्सिटी कम से कम जो भी हो चले। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे सुधार हो, इस पर हम लोग सब मिल करके बैठे। कहे की यूनिवर्सिटी आज इस यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है हमारे नजर में। जब बच्चे हमारे मारे चलते हैं, जाइए हेड के पास सर्टिफिकेट, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, कंट्रोलर के पास जाइए, अब दो फाइल से अधिक दस्तखतें नहीं करेंगे, ये कोई पासा होगा? अब इसीलिए मैं है क्या ऑफिसर? तो मैं अपने माननीय कुलपति जी से कहता हूँ कि सर इस पर ध्यान दीजिए और सबों का सहयोग लेते हुए कीजिए। आज ये यूनिवर्सिटी हम कोई नहीं समझते, हमको याद आती है गोपाल सिंह ने पाली की कविता, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, मेरे को नौलोक सितारों ने लूटा। यह स्थिति है। तो आज मैं सबों से कहता हूँ जो कुछ भी अभी तक वो आईसी कुमार के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, सब वही है, हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं। सोचिए जब आज तक कोई इसका कार्यालय नहीं बना, एग्रीकल्चर के कार्यालय में चली नहीं, इसलिए हम पहले अपना जमीन पर अपना अस्तित्व कायम कर लें और तब हम आगे बात करें कि हम कोरिया जाएंगे कि नेपाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब संबंध करें, लेकिन अभी हम कहीं नहीं है। तो मैं सबों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी मिल करके और एक ऐसा मैंने करें, सभी हेड मिले, सभी मैंने जो भी हैं प्रिंसिपल मिले, सभी मिल करके इस पर चर्चा करें और सही स्थिति का आकलन करें। केवल पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। जब हमारे छात्र रोते हैं, छात्राएं रोती हैं, बच्चे ही नहीं, समाज भी वही कहता है, तो फिर हम कहाँ के लिए कर रहे हैं? तमाम थोड़ी बात से तकलीफ लगी होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबों से और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हम लोग कभी मिले, दिक्कत कोई नहीं है, बनाना असंभव नहीं है, बन जाएगा, तब इसके बाद में हम लोग आगे यही हमारी प्रार्थना है। इतना ही मैं कहकर समाप्त करता हूँ और आपके प्रति बहुत बहुत, ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम, ये कम बात है क्या? यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं किया कार्यक्रम? खैर फिर भी मैं आपके लिए, मैंने आप यूनिवर्सिटी के ही है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबों से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर इसके इसको देखें, समझे, ताकि इसका कैंपस सुरक्षित हो सके, इसका रिजल्ट सुरक्षित हो सके, सभी शिक्षक हम लोग इसकी प्रतिष्ठा बचेगी। यही सर वो हो सकता है तो इसका कुलपति महोदय निश्चित तौर पर निराकरण करेंगे, हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये अब तो छुट्टियां हो रही है, छुट्टियों के बाद कुलपति महोदय जब आएंगे तो इस पर एक वार्ता भी हम लोग की होनी चाहिए और एक आप वो मिलकर के भी सर बात कर सकते हैं और मिलकर के इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिकुलपति महोदय भी हैं, तो ये दोनों जुड़े हैं आपके साथ, दोनों ने आपकी बातें सुनी है और इस तरह का कोई समस्या है तो समस्या का समाधान होगा। मैंने पहले ही कहा था कि निश्चित तौर पर यह वीर कुंवर सिंह के नाम पर यह विश्वविद्यालय है और वीर कुंवर सिंह के नाम के अनुरूप ही यह विश्वविद्यालय में कार्य होने चाहिए। आईसी कुमार सर ने बड़ा ही अपने संबोधन में सारी बातों पर रख दिया कि विश्वविद्यालय की प्राथमिकताएं क्या क्या होनी चाहिए, विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़ता है, कैसे एक विश्वविद्यालय में 42 लॉरियट पैदा होते हैं, आखिर उसका कोई कारण होगा, वहां ऐसी वातावरण होगी, ऐसी व्यवस्था होगी, तो हमारे विश्वविद्यालय को भी हमारा काम है,
हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ की जनता हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। हमारा काम है कि जिस आंदोलन करके जिस विश्वविद्यालय की स्थापना कराया है उस विश्वविद्यालय के मान सम्मान की रक्षा करना, उसमें शैक्षणिक व्यवस्था कायम करना, यह हमारा प्रथम दायित्व है। और निश्चित रूप से रामसभा क्या भाऊ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब विश्वविद्यालय खुलता है तो आपके साथ मैं रहूंगा, और अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके समाधान के दिशा में भी हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, और कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय भी हमारा सहयोग करेंगे, हम ऐसा समझते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, अपने आपकी बातें हो गई है और आपकी बातें कुछ जुड़ी हुई भी विश्वविद्यालय से ही है, और कुछ परीक्षा की भी बातें आपने कह दी है, कुछ विद्यार्थियों की बातें आपने कह दी है, हमारे बीच प्रति कुलपति महोदय हैं, अभी मैं उनको आग्रह करता हूँ, प्रति कुलपति महोदय को आदरणीय नंद किशोर साहा जी को, कि वो अपनी बात कहें, अपना संबोधन करें। नमस्कार, सर्वप्रथम आज के पुण्य दिन के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उन सभी लोगों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को अपने पूरे संघर्ष के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना पूर्ण योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत कुछ सोच समझ कर की गई थी, शिक्षा तो एक है ही, शोध भी एक महत्वपूर्ण इसका अवयव है, लेकिन इस सब के साथ पूरे क्षेत्र का विकास, पूरे राज्य का विकास और पूरे देश का विकास इसकी स्थापना में समाहित है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? जी सर, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है सर। हाँ, सर्वप्रथम मैं आयोजक डॉक्टर शशि कुमार सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े बड़े महापुरुषों को एक मंच पर उन्होंने ला दिया और आपस में विमर्श कराने का उन्होंने मौका दिया। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर तिवारी साहब, हमारे पूर्व कुलपति महोदय अनेक जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए दर्शक वीडियो से और आवाज से जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। आज का दिन हमें बहुत कुछ याद करने का है, हमने अब तक क्या पाया, क्या खोया, और आगे के लिए हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस पर विचार करने का दिन है। इसीलिए शशि बाबू ने बहुत बढ़िया इस पर जो टॉपिक इसका रखा है वो है भूत, वर्तमान और भविष्य, दशा और दिशा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की। हाँ, विश्वविद्यालय के आज लगभग 28 वसंत गुजर चुके हैं, संभवतः हम लोग 29वां में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सभी पूर्व कुलपतियों ने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, इसके विकास की में गति देने के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया है। हम कभी तेजी से और कभी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। हमारे कुछ माननीय कुलपति महोदयों ने बताया और कुछ हमारे दर्शकों ने बताया, खासकर प्रोफेसर तवक्या, राम तवक्या बाबू ने, कि आज तक इस विश्वविद्यालय का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं है। ये बात सच है, लेकिन इस विषय में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से सारा इंतजाम कर लिया है। अब जहां पर इस बिल्डिंग को खड़ा होना है वहां पानी लगा हुआ है, इसीलिए इसमें देर हो रही है। जैसे ही वो पानी हट जाएगा उसकी स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द ही वहां एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और हम सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे सभी पूर्व कुलपतियों को मैं सादर नमन करता हूं, मैं उन्हें याद करना चाहता हूं।
और उन्होंने जहां इस विश्वविद्यालय को छोड़ा था, हमारे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर डीपी तिवारी साहब उन छोड़ों को पकड़कर बहुत तेजी से वो अपने पूरे अनुभव का साथ लेते हुए इस विश्वविद्यालय की गाड़ी को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस विश्वविद्यालय ने इस दरमियान हासिल किया है वो है परीक्षा की गतिविधियों में। हम लोग परीक्षाओं से, जैसा कि राम तवक्या बाबू ने कहा था कि बच्चे अब इस बार और इसके लागू होने से हमारे सभी बच्चे बहुत गंभीर हो गए हैं और वो सीरियसली अपने थीसिस को लिखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो हम लिखें वो हमारे लिए, देश के लिए और विश्व के लिए एक नायाब चीज हो। तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है। हमें अभी और भी कुछ प्राप्त करना शेष है, जैसे हमारी जो आगे की गतिविधियां हैं, जो विकास के काम हैं, वो पूरी तरह से अब नैक पर आधारित है। सारे जो महाविद्यालय हैं उनका भी अब नैक के ग्रेड पर ही विकास लंबित है। विश्वविद्यालय में हम लोग पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं कि यथाशीघ्र नैक हो जाए और इसमें अच्छे ग्रेड हमें मिल जाए और आगे बढ़ने के लिए जो उचित हमें डेवलपमेंट के साधन हैं वो सरकार से और विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त होने लगे। दूसरा है बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, उसमें है ह्यूमन डेवलपमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट। अगर हमारे पास सही सही मैन पावर नहीं होगा तो हम तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं और हमारे कुलपति महोदय भी इस बात से एग्री करेंगे कि जितने हमारे परमानेंट कर्मचारी थे उनमें से अधिकांश रिटायर हो चुके हैं और एडहॉक व्यवस्था पर हम लोग विश्वविद्यालय को किसी तरह से थामे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार एडहॉसिज्म से विश्वविद्यालय तेजी से विकास कभी नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से सरकार को पूरा पत्र लिखा है, पूरा लिस्ट भेजा है, हमें कितने कर्मियों की जरूरत है, कितने और शिक्षकों की जरूरत है, इसकी पूरी व्यवस्था करके विश्वविद्यालय ने सरकार को भेजा। सभी आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इस पुण्य अवसर पर उन्होंने इतने विद्वानों को एक मंच पर उन्होंने ला दिया, मैं उन्हें धन्यवाद और एक बार पुनः बधाई देता हूँ। सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी हम ये लाइव प्रोग्राम में सर 30,000 से ज्यादा व्यूअर्स पूरे देश में इसको आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके भाषण को, आपके संबोधन को 30,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, उसको उसकी समीक्षा हम लोग बाद में करेंगे। कमेंट्स अच्छे भी आ रहे हैं, ज्यादातर अच्छे आ रहे हैं, कुछ कमेंट दूसरे तरह के भी आ रहे हैं। मैं हमारे साथ जुड़ गए हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुमताजुद्दीन साहब। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मुमताजुद्दीन साहब, धन्यवाद। शशि बाबू, मेरी आवाज जा रही है? सर आ रही है सर। माननीय कुलपति डॉक्टर डीपी तिवारी साहब, प्रतिकुलपति प्रोफेसर नंद किशोर शाह साहब, पूर्व कुलपतिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत और बधाई हो पूर्वते छात्र संघ को जिसने के इस कार्यक्रम का वेबिनार का आयोजन किया है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भूत वर्तमान और भविष्य दशा और दिशा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं देर से शामिल हुआ और आज चूंकि तिरुत टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी का एमएलसी का इलेक्शन भी है तो बहुत देर में शामिल नहीं रह सकूंगा, लेकिन और अभी मैंने ज्वाइन किया तो इस मीटिंग को तो प्रतिकुलपति प्रोफेसर नंद किशोर शाह साहब अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें भी टेक्निकल फ्लॉ के कारण बहुत देर तक मैं उनको नहीं सुन पाया। बात के हिस्से में बजट वगैरह पर जब वो चर्चा कर रहे थे
तो उनकी बातें सुना और वो एक विद्वान हैं और उनकी बातें सभी को सुननी चाहिए और उस पर जहां तक हो सके अमल करना चाहिए। जहां तक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सवाल है, सबसे पहले मैं ये कह देता हूं कि इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत पोटेंशियल है। कोई भी पेसिमिज्म की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव, दिल के बहुत साफ हैं। टीचर्स से, चूंकि हम 1.5 साल वहाँ वाइस चांसलर रह चुके हैं, मैं जानता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ी है टीचर्स ने कोऑपरेट किया है। हमने बीएड का एग्जाम जो सेंट्रलाइज लिया था और एक डिस्ट्रिक्ट नहीं 4 डिस्ट्रिक्ट में लिया था, पहली बार हो रहा था कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में। लोग को ये था, एक मन में एक सस्पिशन था कि पता नहीं ये सही सही हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सभी टीचर्स और स्टाफ के कोऑपरेशन से वो असर हो। देखिए, हमने बहुत सी मन की बात, दिल की बात कह दी है, क्योंकि मेरे दिल में हमको इतना प्रेम मिला है आरा से और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से, इसलिए वो दिल में मेरे बसता है। अगर कुछ कठोर बात हमने कह दी हो या किसी को लग गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं शशि बाबू का और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का कि मुझे आमंत्रित किया। नेचर बाय हैबिट आते नहीं है, काम नहीं करना चाहते हैं और सख्ती करने के बाद वो दूसरा कहानी शुरू कर देते हैं। तो इन सब तमाम चीजों के बावजूद सब लोग यहाँ आए हैं सर, सब लोग जुड़े हैं। पारसनाथ सिंह जी सर यहाँ हम लोग के साथ जुड़े, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पहले रजिस्टर्ड थे सर, हम लोग उस जमाने में तुरंत रजिस्टर्ड हुए थे पीएचडी के लिए, एमए किया था सर। कुर्सियां मांगी गई थी विश्वविद्यालय को, मैं बैठने की कुर्सी नहीं थी, विश्वविद्यालय खुल गई थी तो महाराजा कॉलेज से 4-6 कुर्सी, जैन कॉलेज से 4-6 कुर्सी, ऐसे करके वाइस चांसलर को बैठाने के लिए सर और स्टाफ और कर्मचारी को बैठाने के लिए कुर्सियों को मांग मांग करके इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। आज सर विश्वविद्यालय आप लोग के प्रयासों से एक अच्छे मुकाम पर है और हम लोग पूरा सहयोग देकर के इस विश्वविद्यालय को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी हम लोग आप लोगों को आग्रह करेंगे इस तरह के आयोजन में, तो आप लोग निश्चित तौर पर आएंगे और आप लोग के सार्वजनिक सुझाव और संबोधन इस विश्वविद्यालय को ताकत देंगे, इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सबसे चमकीले योद्धा बाबू कुंवर सिंह के नाम को रोशन कर सकेंगे, उनके नाम को आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।